मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं आपको मारवाड़ी युवा मंच काशी द्वारा आगामी 29 दिसंबर को राजस्थानी मेले का आयोजन महमूरगंज स्थित शुभम लाल में किया जा रहा है। इस मेले में अनेक बुटीक की स्टॉल, झूले, गेम, फैशन शो एवं लोक नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। मारवाड़ी युवा मंच काशी समय समय पर अनेक सामाजिक कार्य करती रहती है। उक्त बातें 26 दिसंबर बुधवार को एक पत्रकार वार्ता में संस्था के अध्यक्ष रोशन अग्रवाल ने पत्रकारों से बताया। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। सर अपना परिचय बताएं। मैं रोशन अग्रवाल, मारवाड़ी युवा मंच काशी का अध्यक्ष, और हमारे साथ बैठे हैं राजीव अग्रवाल जी। जो रोशन जी, किस तरह का कॉन्फ्रेंस क्या होने जा रहा है? ये कॉन्फ्रेंस अपने 29 दिसंबर को राजस्थानी मेला कर रहे हैं, उसके लिए कॉन्फ्रेंस रखा गया है। किस तरह का राजस्थानी मेला है, क्या क्या इसमें? हम काशीवासी जो हैं, जो मारवाड़ी समाज से बिलोंग भी करते हैं, हम ये काशी वालों को बताना चाहते हैं कि हमारा राजस्थान का कल्चर क्या है, वहाँ के व्यंजन क्या हैं, वहाँ का रेसब क्या है, इस तरह की चीज़ों को हम। कितने वर्षों से ये मेला लगा? ये सप्तम है, 6 वर्ष से हुए। 7 करोड़ कितने स्टॉल कुल टोटल? लगभग 100 से ऊपर वेबसाइट स्टॉल लगते हैं। किस तरह का स्टॉल है? स्टॉल में लेडीज स्टॉल ज़्यादा रहते हैं और कॉमर्शियल स्टॉल भी उसमें रहते हैं। मुख्य अतिथि कौन होंगे? मुख्य अतिथि हमारे कौशल राज शर्मा जी हैं। इस साल के मेले में क्या खास स्टॉलें होंगी? खास क्या, हमने बच्चों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है। इस बार का गेम स्टॉल देखने लायक और बहुत ही अच्छे बच्चों के लिए एनवायरनमेंट रखा है और हर चीज को पूरे तन्मयता से सजाई गई है पूरे मैदान, जैसे कि कोई भी आए तो उसे वहाँ का माहौल ही बिल्कुल अलग है। ठीक सर। राजीव अग्रवाल, राजस्थानी मेला का अध्यक्ष। राजीव जी, किस तरह का कॉन्फ्रेंस क्या होने जा रहा है? ये हमारे राजस्थानी मेला का के बारे में के लिए ही रखा गया है कॉन्फ्रेंस, कि राजस्थानी मेला हम लोग लगाते हैं, ये 7वां साल है। कितने स्टॉले लगेंगे इस साल मेले? स्टॉल लगाए जा रहे हैं। इसमें महिलाओं के लिए विशेष क्या होगा? महिलाओं के मतलब कि कारोबार, मतलब उनके बिजनेस के क्या उसमें खास रखी है? महिलाओं द्वारा बनाए गए कपड़े, जैसे बुटीक स्टॉल्स होते हैं, कुछ हाथ से बनाए हुए जो भी चीजें रहती हैं उनके स्टॉल्स लग रहे हैं। क्या कोई शुल्क भी है इसमें? हमको कॉस्टिंग हम लोग लेते हैं इसमें।